दोस्तों, अगर आपके पास भी एक धासु ऐप का आइडिया है जो किसी के पास नहीं है, जिसे आप बनाकर बिजनेस करना चाहते हैं और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, पर आप डरते हैं कि अगर ये आइडिया कहीं लीक हो गया या चोरी हो गया तो कोई आपसे पहले वो मोबाइल ऐप बनाकर बिजनेस कर लेगा, अगर आपका भी यही टेंशन है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा जरूर देखें और फिर डिसाइड करें कि कौन सा तरीका आपके लिए सही है। दोस्तों, आप तो जानते हो कि ऐप बनाने में बहुत वक्त लग जाता है, कम से कम 3 महीने से लेकर 1 साल तक चला जाता है। इस बीच क्या हो जाता है, आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, बॉस से मिलते हो, अंकल से मिलते हो, रिलेटिव से मिलते हो, और बात बात में कभी ना कभी आपके मुंह से निकल जाता है आपके ऐप का आइडिया। तो यही से शुरुआत होती है लीक होने की, इसीलिए इस तरह का आइडिया कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करें। और समझो आपने जैसे तैसे आपका ऐप बन गया और वो ठीक तरह से चल भी रहा है और बहुत सारे लोग उसे यूज भी कर रहे हैं, डाउनलोड भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या होगा, समझो आपका ऐप का कॉस्ट कम से कम 2 लाख रुपए तक आया, यानी आपका ऐप पूरा बनने में 2 लाख रुपए आए, तो क्या होगा, कोई बड़ी कंपनी होगी वो पता लगाए कि भाई इसका ऐप तो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो चलो इसी का सिमिलर आइडिया वाला हम भी ऐप बनाते हैं, वो कॉस्ट लगाएगी कम से कम 10 लाख या उससे ज्यादा, फिर वो प्रमोट करेगी अपने ऐप को, डिजिटल मार्केटिंग करेगी, सोशल मीडिया पे शेयर करेगी, और क्या होगा, आपके आइडिया पे वो बिजनेस करेगी और आपसे आगे निकल जाएगी। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इससे बचने के लिए 3 ही रास्ते हैं, आप देखिए कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। सबसे पहला जो तरीका है वो है एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट यानी 2 तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है NDA, एक NCA। NDA का मतलब है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि किसी भी डेवलपर से जब आप ऐप बनवा रहे हो या किसी कंपनी से ऐप बनवा रहे हो, उसमें क्या होता है, ये एग्रीमेंट साइन करवाना होता है उनसे, और उसमें ये लिखा होता है कि वो कभी भी आपके ऐड का आइडिया है ना, वो किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, जो सोर्स कोड है वो कंप्लीट आपको दे देंगे, कहीं पे भी ऐप को आइडिया लीक नहीं करेंगे। दूसरा होता है NCA, जो नॉन कम्पीट एग्रीमेंट होता है। वो भी क्या होगा कि जब आप किसी डेवलपर से या कंपनी से ऐप बनवा रहे हो तो आप बोलोगे कि भाई मेरा जो आइडिया है वो आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ शेयर नहीं करोगे, किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे, इसके साथ ही जब तक मेरा ऐप बन नहीं जाता तब तक आप किसी भी दूसरे कंपनी के साथ काम नहीं करोगे, मेरा ऐप कंप्लीट होने के बाद, लॉन्च होने के बाद ही आप कोई और काम लोगे। तो इस तरह का नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी बनता है। अब बेसिकली क्या होता है, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आपको फ्रीलांसर डेवलपर्स मिलते हैं, जो वो बहुत ज़्यादा चीट करते हैं, जो कहते हैं मैं 5,000 में बना दूंगा, 10,000 में बना दूंगा, प्रॉब्लम ये है कि वो कभी आपका NDA साइन करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो चीट कर रहे हैं, तो वो कभी होगा नहीं बेसिकली। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, आपको सही बंदा ढूंढना है जिसके साथ आप काम कर सकते हो और आप जो है एग्रीमेंट साइन करवा सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये करना। जो दूसरा तरीका है वो है पेटेंट का। अब बहुत सारे लोग पेटेंट के बारे में नहीं जानते, तो बता दूँ पेटेंट का मतलब क्या होता है कि समझो आपके पास कोई एक यूनिक आइडिया है या कॉन्सेप्ट है जिसे लोगों का फायदा होगा, या किसी ने आज तक उसके ऊपर ऐप नहीं बनाया या इस तरह का आइडिया सोचा नहीं है, तो वो कम्प्लीटली आपका आइडिया होता है। आप क्या कर सकते हो, वो आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को आप अपने नाम पर जो है रजिस्टर करवा सकते हो, ताकि कल कोई अगर वो ऐप का आइडिया कोई चोरी कर लिया, उस तरह का ऐप किसी ने बना दिया, तो आप कह सकते हो भाई ये मेरा ऐप है, ये जो है मेरे नाम पे पेटेंट रजिस्टर्ड है इसका, आप उसको क्लेम कर सकते हो और आप उनकी पेनाल्टी भी चार्ज कर सकते हो, आपको पैसे भी मिल जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि पेटेंट बनवाना। अब पेटेंट बनवाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पेटेंट किस चीज़ का नहीं हो सकता। क्या होता है कि जो कोडिंग्स होते हैं ना, जो कोड है, जैसे कि अगर आपका ऐप बना रहे हो तो किस में बनेगा, बेसिकली समझो जावा में है या C++ में, तो ये जो कोड है ना, ये आपके डेवलपर ने नहीं बनाया, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर एक ऐप में यूज़ होता है। जो कोड होता है वो फ्री सोर्स होता है, तो कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, इसीलिए उस कोड का आप पेटेंट नहीं कर सकते, राइट। और दूसरा क्या है, आइडिया का आप पेटेंट नहीं कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है, जो आपके दिमाग में आप कहते हो मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसका मैं पेटेंट करना चाहूँगा, तो वो नहीं होगा। बेसिकली आपको पूरे आइडियाज़ को जो है एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा, उसमें आपको पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, कि पूरा पेपर वर्क करना पड़ेगा कि किस तरह का ऐप है, कौन इसको यूज़ करेगा, ये कैसे चलेगा, किस तरह की इंडस्ट्री के लिए है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, ये 100, 200, 300 पेज, कितने भी पेज का एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, जिसको जो है आप पेटेंट रजिस्टर करोगे। तो वो आप एक आइडिया है जो एक कॉन्सेप्ट में बदलेगा और डॉक्यूमेंटेशन में बदलेगा, उसके बाद जो है आप पेटेंट उसका करवा सकते हो। दूसरा है कि कौन सा आप पेटेंट कर सकते हो, किसका पेटेंट हो सकता है। तो जो आपके ऐप का तरीका है या कॉन्सेप्ट का तरीका है, समझो मेथड है या प्रोसेस है, उसका जो है आप पेटेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सैमसंग ने पेटेंट करवाया था, पेटेंट 711, उसने कहा था कि एप्पल अपने आईफोन 4 पे हमारा जो फंक्शनैलिटी वो यूज़ कर रहा है, जैसे कि मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं और फोन के अंदर जो बैकग्राउंड में म्यूजिक पे चलता रहेगा, ये जो आइडिया ये हमारा है, मतलब सैमसंग का है, और आईफोन ने उसे चोरी किया है। उसी तरीके से एप्पल ने पेटेंट 163 में बताया था कि भाई जो नोटिफिकेशन आता है उसको डबल क्लिक करते हैं और डॉक्यूमेंट ओपन होता है, ये हमारा आइडिया, ये गैलेक्सी का नहीं है, ये सैमसंग का नहीं है, उन्होंने अपने सैमसंग गैलेक्सी एस में ये वाला फंक्शनैलिटी डाला है, तो ये पेटेंट हमारे पास रजिस्टर्ड है, उसने चोरी किया है। तो इस तरह का जो फंक्शनैलिटी है, इस पर आप जो है पेटेंट कर सकते हो।
इसके साथ ही साथ आप अपने टाइटल या ऐप के नाम को जो है रजिस्टर कर सकते हो या पेटेंट करा सकते हो, जैसे कि खाता बुक है या पेटीएम है या स्विगी है, ये नाम है टाइटल है, तो इसको आप जो है पेटेंट करवा सकते हो। साथ ही साथ आइकन्स हो गए, इसके लोगो हो गए, ब्रांड हो गया, इसका जो ऐप का डिज़ाइन है, कंप्लीट लेआउट है, इमेजेस है, ये सारी चीज़ों को जो है आप पेटेंट कर सकते हो। क्योंकि आइडिया तो किसी को भी आ सकता है और वो बना सकता है, बट जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके अंडर इंटरनल फंक्शनैलिटी है, वो सारी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अभी खाना ऑर्डर करना है तो आप क्या करोगे, स्विगी भी यूज़ कर सकते हो और जोमैटो भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का काम सेम है बट डिज़ाइन कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसीलिए जो डिज़ाइन है, फंक्शनैलिटी है, लेआउट है, उसका आप जो है पेटेंट कर सकते हो, बट ना कि एक आइडिया का। अब आप बोलोगे भाई समझ तो आ गया पेटेंट क्या है, पर उसको करेंगे कैसे। देखिए, इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, पेटेंट अपना रजिस्टर करवा सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये, आप डायरेक्टली तो पेटेंट करने नहीं जाओगे, पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या किसी ने आपके आइडिया का ऑलरेडी पेटेंट किया हुआ है। तो सर्च पे आप जाके देख सकते हो, मैंने वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब बेसिकली क्या होता है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, अच्छा खासा प्रोसेस है जो आप एज एन इंडिविजुअल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पेटेंट के एजेंट्स भी मिलते हैं जो आपका काम करेंगे। अगर आप कोई पेटेंट रजिस्टर करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है, जैसे कि अगर आप कोई छोटी कंपनी हो तो आप पेटेंट का एप्लीकेशन दोगे तो उसमें 4,000 रुपये होंगे, पब्लिकेशन का फीस होगा कम से कम 6,500 रुपये तक, एग्जामिनेशन होगा आपके पेटेंट बराबर है कि नहीं, सारी चीज़ें उसमें 10,000 रुपये लग जाएंगे। तो कम से कम 30 शीट तक आप सबमिट कर सकते हो जो फ्री होगा, उसके बाद जो एडिशनल शीट होगा उसमें 400 से 500 रुपये एडिशनल हो जाएंगे। फिर आप जो है, जैसे कि किसी ने मेरा ऐप चोरी किया, आप क्लेम करना चाहते हो तो 10 क्लेम आप फ्री होगा, उसके बाद जो भी क्लेम होगा उसके ऊपर आपको 800 रुपीज़ तक देना होगा। तो करीब करीब 22 से 23 हज़ार रुपये एक छोटी कंपनी अगर पेटेंट बनाना चाहती है तो उसका कॉस्ट आएगा, और अगर कोई बड़ी स्टार्टअप है तो कम से कम समझो 42 से 45 हज़ार तक का उसका कॉस्ट पड़ेगा। और नॉर्मली क्या होता है कि पेटेंट बनने की जब आप रजिस्टर करते हो तो उसको 6 महीने से 2 साल या कुछ साल लग जाते हैं जो पेटेंट आने के लिए, तो ये थोड़ा महंगा हो जाता है। इसी के लिए मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी कंपनी इतना खर्चा करती है ना, जो वो इसलिए करती है क्योंकि उनका आइडिया कोई चोरी ना करे, इसके लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। जो 5,000 में ऐप नहीं बनता, 10,000 में ऐप नहीं बनता, एक ऐप बनाना, उसका बिजनेस खड़ा करना बहुत मुश्किल काम भी है और लंबा प्रोसेस भी है, बट लोग इसमें ज़्यादा समझते नहीं है। बट अभी क्या है, आप जैसे मेरे जैसे जो छोटे मोटे डेवलपर्स हैं उनके लिए बहुत महंगा हो जाएगा और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो पेटेंट बेसिकली ज़्यादातर लोग नहीं जाते। तो आप NDA करा सकते हो, और अगर दोनों नहीं करवाना है तो जो तीसरा तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। तीसरा तरीका क्या है कि भाई टेंशन मत लो और ऐप बना दो। आप अगर बोलोगे कि भाई मेरे पास ये ऐप का आइडिया है, कोई चोरी कर लेगा, नहीं, ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि आपको पता है ऐप बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास ऐप का आइडिया है, भाई मैं कह रहा हूँ बना लो। जैसे विवेक बिंद्रा सर अपने वीडियो में कहते हैं ना, फास्ट मूवर फर्स्ट मूवर, उस तरह का आप जो है फास्ट मूवर बन जाओ और ऐप का जो भी आइडिया है बस बना दो। कोई चोरी करेगा ये सब सोचना ही नहीं है, छोड़ दो, दुनिया से डरना ही नहीं है अभी कि कोई मेरा ऐप चोरी करेगा, डिज़ाइन चोरी करेगा, नहीं। आपके पास कोई फंडा है, आपके पास कोई आइडिया है, कॉन्सेप्ट है और आपको लगता है वो धांसू है और चलेगा, तो मैं तो कहता हूँ थोड़ा बहुत खर्चा करो और लॉन्च कर दो। आइडिया जब तक आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। आपको उसको पेपर पे रखना पड़ेगा, डेवलपर से बात करनी पड़ेगी और एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद ऐप लॉन्च कर सकते हो। अगर आपके ऐप में दम है तो कितने भी उसका कॉपीज बन जाए आपका ऐप ही चलेगा। जब मैं कह रहा हूँ बिजनेस प्लान, तो उसका पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जैसे कि आपका ऐप एग्जैक्टली क्या करता है, किस तरह की इंडस्ट्री के लिए, कौन सा टारगेट ऑडियंस है, फ्लो क्या होगा, फंक्शनैलिटी क्या होगी, डेटाबेस कैसे होगा, किस तरह का फंक्शनैलिटी आप उसको ऐड करना चाहते हो, सर्वर, बैंडविड्थ, ये सारी चीज़ें डेवलपर आपको बताएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि एक सही डेवलपर के साथ आप काम करें। तो आप एक NDA का एग्रीमेंट तो करा सकते हो, क्योंकि उसमें तो कोई खर्चा है नहीं, तो आप NDA एग्रीमेंट या NCA एग्रीमेंट साइन करवाओगे, किसी डेवलपर से ट्रस्ट करोगे, थोड़ा पैसा थोड़ा खर्चा करोगे, तो आपका ऐप ज़रूर बन जाएगा। यही 3 तरीके हैं जिससे आप अपने ऐप को कॉपी होने से या चोरी होने से बचा सकते हो। ट्रस्ट करो, इतना आसान नहीं है ऐप बनाना कि कोई भी बना देगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप इन तीनों में से कोई ना कोई तरीका आप डेफिनेटली यूज़ करोगे और अपना ऐप डेफिनेटली बनाओगे। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपर किस तरह से चीट करते हैं और आप उनको कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताएं आपको और किस तरह के वीडियोज़ देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।